कंप्यूटर आए। वही ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर अमरोहा से है, जहां अवैध संबंधों के चलते उजारी ढबारसी मार्ग पर ट्रक चालक की हत्या का पुलिस क्षेत्राधिकारी ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर 2 लाख रुपए में सुपारी देकर पति की हत्या कराई थी। पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या में शामिल पत्नी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों का चालान कर कोर्ट में पेश कर दिया गया है, वहां से उनको जेल भेज दिया गया। देखिए, पिछले 9 जनवरी 2023 को ढबारसी रोड पर शाम को 8 बजे हमें ढबारसी गांव के निवासी कुलदीप शर्मा का शव मिला था सड़क पर, और वो शव की जो कंडीशन थी उसको देख ऐसा लग रहा था कि किसी से उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो परिवारजनों के तहरीर पर 10 तारीख को 279/304A में केस को दर्ज किया गया, लेकिन बाद में पता चला और परिजनों ने आशंका व्यक्त की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरह से चीज़ें आ रही थी ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसका मर्डर हुआ है। तो जब थाने की टीम पूरी लगी तो हमने अपने सर्विलांस और बाकी चीज़ों से जब ये पता किया तो पता चला कि मृतक की जो पत्नी थी लता शर्मा, उसका एक व्यक्ति है नरेंद्र सनाफ याद राम सिंह, जो कि गैस एजेंसी का संचालक है, उसके साथ उसके संबंध लता और कुलदीप के रिश्ते जो है आपस में अच्छे नहीं थे। इन लोगों के बीच में बहुत सारी लड़ाई बहुत पहले से चलती रहती थी। कुलदीप जो था वो नशे का आदी था और ड्राइविंग करता था, लेकिन खर्चे सही से नहीं चल पा रहे थे। नरेंद्र और लता के आपस में संबंध हो चुके थे 4-5 साल पहले से ही, तो दिक्कतें जब ज़्यादा बढ़ती चली गई तो इन लोगों ने कुलदीप कपिल को बुलाया, कपिल सनाफ महिपाल। कपिल को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया 2 लाख रुपए में कि इसको कुलदीप को रास्ते से हटाना है। तो नरेंद्र और कपिल अकेले ये काम नहीं कर पा रहा था, तो इसने ऋषिपाल और विजय दो लोगों को और लोगों को हायर किया, तो टोटल ये 4 लोग हो गए। नरेंद्र, कपिल, ऋषिपाल और विजय, इन 4 लोगों ने मिल करके 9 तारीख को गाड़ी दिखाने के बहाने कुलदीप को यहाँ बुलवाया, उझारी बुलवाया। उझारी से वो लोग लेके उसको गए गजरौला, और गजरौला में गाड़ी दिखाने के बहाने वहाँ पे गाड़ी दिखवाई भी ऐसा सुनने में आया, लेकिन ये लोग वापस उसको लेकर के आ गए उझारी। और उझारी में लोगों ने खूब शराब पी, क्योंकि मारने का प्लान पहले से ही था, तो उझारी में खूब शराब पी। और जब वो खूब नशे में हो गया कुलदीप, तो उसको एक सेंट्रो गाड़ी जो विजय की थी उसको उसमें डाल करके वो लोग जो है कि उझारी से चले। उन्होंने इसके कुलदीप के शव को रख करके विजय ने गाड़ी को, सेंट्रो गाड़ी को 3-4 बार या और कई बार उसके ऊपर चलाया, और ऋषिपाल ने अपनी बाइक से भी उसके ऊपर चलाया ताकि उसकी डेथ हो जाए। और उसको मारने के बाद इन लोगों ने उसके शव को फिर पीछे गाड़ी में रखा, ऐसी आशंका कुछ लोग जता रहे हैं। पत्नी के कुछ आरोप बहुत ज्यादा गंभीर हैं, संगीन हैं, इसके बारे में जांच की जा रही है, और इसकी ये सब चीजें विवेचना का विषय है। विवेचना में चीजें प्रकाश में लाई जाएंगी अगर ऐसा कुछ होता है तो मृतक की पत्नी के आधार पर। देखिए, खबर जालौन से है, जहां उपसंभागीय परिवहन अधिकारी ने कानूनी हंटर चलाया। बता दें कि चेकिंग अभियान के दौरान एक पिकअप गाड़ी पकड़ी गई, जो कि बगैर कागजात के गाड़ी में सामान लाद कर ले जा रही थी। वहीं पकड़ी गई गाड़ी को कोतवाली में लाकर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। वही खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां सेक्टर 4 थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए गोलीकांड में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें कि गोलीकांड की सूचना के बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी शुरू कर दी। वही छापेमारी के दौरान 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, साथ ही पकड़े गए अपराधियों के पास से 1 कार और अवैध हथियार भी बरामद किए गए। 3:30 बजे दिन में सेक्टर 4 थाना प्रभारी को सूचना मिली कि कुमार मंगलम स्टेडियम के पास कुछ अपराधकर्मी फायरिंग किए हैं। इस सूचना के आलोक में थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी वहां पे सत्यापन एवं उस घटना में शामिल अपराधकर्मियों को धर पकड़ के लिए प्रस्थान किए। इसी क्रम में फिर सूचना मिली कि लक्ष्मी मार्केट, जो सेक्टर 4 थाना अंतर्गत ही स्थित है, वहाँ पर कुछ होटल्स हैं उसके सामने भी फायरिंग की गई है, और अज्ञात अपराधकर्मी हैं जो एक सफ़ेद रंग के हाईटेक कार से हैं और उन लोग उतर के दुकानदार को गाली गलौज कर रहे हैं और फायरिंग भी की गई है। तो कुमार मंगल स्टेडियम से फिर पुलिस को लक्ष्मी मार्केट गई। लक्ष्मी मार्केट में आसपास के लोगों और होटल जो संचालक हैं उन लोगों से पूछताछ किए तो बोले कि 3 अपराधकर्मी थे जो यहाँ पर धमकी दिए हैं और गोलीबारी किए हैं। पुलिस गई तो वहाँ एक खोखा और एक जिंदा कारतूस में बरामद किया गया। पुनः आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोग को नहीं मिल पाया है, लेकिन ये अपराध में कपूर में शामिल है यानी इसकी हम जांच कर रहे हैं। और वहाँ पे जब घटनास्थल पे लक्ष्मी मार्केट में गए तो वहाँ पे पता चला कि जो अपराधी है राजीव कुमार, वो पूर्व में किसी एक व्यक्ति से पैसे का लेन देन है, वो व्यक्ति वहाँ पे आता जाता था होटल में,
कुछ खाना खाता था, कुछ बैठता था, तो वहाँ पे इसलिए वो वहाँ पे टारगेट करके वहाँ पे गया और फायरिंग की गई। दरअसल उस व्यक्ति को डराने धमकाने के लिए ही उसने फायरिंग करने की बात स्वीकार की है। और कितने लोग इसमें? इसमें एक व्यक्ति का और नाम आया है, उसका भी हम लोग उसमें संलिप्तता के संबंध में गहराई से जांच करके ही हम लोग उसमें कार्रवाई। विजयनगर थाना क्षेत्र में एक दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र की विंध्यवासिनी कॉलोनी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस ने यहां एक मकान के परिसर की खुदाई कर एक महिला सहित 3 शव बरामद किए हैं। वही बताया जा रहा है कि आरोपित ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर घर के परिसर में ही शव को दफना दिया था। घटना 2 माह पहले की बताई जा रही है। महिला और बच्चों के गायब होने और बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस के सामने शंका जाहिर की, जिसके बाद एसपी अभिषेक तिवारी के निर्देशन में पुलिस ने आरोपित के मकान में खुदाई करवाई थी। डीडी नगर थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना हमारे संज्ञान में आई थी। इस सिलसिले में जो गोपनीय है यहाँ से जानकारी प्राप्त हुई थी, उसमें ये पता चला था कि एक परिवार की महिला और उसके 2 बच्चे काफ़ी दिनों से यहाँ पर आसपास क्षेत्र में नहीं दिख रहे हैं और संभवतः या तो कहीं लापता हुए हैं, उनके साथ कोई दुर्घटना हुई। इस सिलसिले में जो व्यक्ति है, जो पति है उस महिला का, उसको पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई और उसमें पूछताछ में जो हम लोगों ने सारी चीज़ें वेरीफाई की, उससे स्वयं ही उसके द्वारा फिर घटना करना स्वीकार किया गया। इनके द्वारा करीब करीब 2 माह पहले अपनी पत्नी एवं अपने 2 बच्चों की हत्या की गई है एवं उसके द्वारा जो बताया गया कि उसने शव अपने ही घर के जो फ्रंट यार्ड है उसमें गड्ढा करके उसमें दफनाया है। क्योंकि इस तत्काल इस चीज़ को हम लोगों को वेरीफाई करना था, तो साथ में फॉरेंसिक अधिकारी जो हैं उनके साथ में एफएसएल अधिकारी हैं और इसमें एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को साथ में लेके इस सूचना पे उसको वेरीफाई करने के लिए पुलिस की टीम यहाँ पर आई हुई है। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि उसका जिस स्थान पर उसने चिन्हित किया उस स्थान को खुदवाया गया और वहाँ से 3 हमें शव बरामद हुए हैं। अभी इसके आगे की फॉरेंसिक जांच बाकी है, पीएम होगा, उसमें डीएनए एनालिसिस भी होगा, लेकिन प्रारंभिक रूप से जो दिख रहा है कि ये उसकी पत्नी तथा 2 बच्चों के शव है। सर, आरोपी कौन है और मृतक कौन है, क्या नाम है इनके? आरोपी का नाम सोनू दलवाली बताया गया है और ये जो है यहाँ के निवासी हैं, जैसा आप देख रहे हैं कॉलोनी है। इसके द्वारा अपनी पत्नी एवं 2 बच्चों की जो उसके स्वयं के बच्चे हैं उनकी हत्या करना बताया गया है। पत्नी इनके साथ यहाँ पे करीब करीब 2-3 साल से इस घर में यहाँ रह रहे हैं और 2014 से लोग साथ हैं। अभी तक जो प्रारंभिक जाँच इसमें हुई है, इसमें मारने का कारण पारिवारिक कलह और जो आपसी पति पत्नी के बीच का वाद विवाद रहता है वही बताया जा रहा है इसके द्वारा। लेकिन हम लोग और भी इसके सभी एंगल्स चेक करेंगे, जो भी आरोपी है या मृतकगण है उनकी भी जो आगे की डिटेल्स हैं, इनके घर परिवार वालों से, पड़ोसियों से और भी चीज़ें हैं इसमें कथन होंगे और अन्य भी जो साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से भी जो मुख्य वजह है उसको वेरीफाई किया। डीडी नगर थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना हमारे संज्ञान में आई थी। इस सिलसिले में जो गोपनीय है यहाँ से जानकारी प्राप्त हुई थी, उसमें ये पता चला था कि एक परिवार की महिला और उसके 2 बच्चे काफी दिनों से यहाँ पर आसपास क्षेत्र में मजदूर काम कर रहे थे। खबर गाजियाबाद के साहिबाबाद से है, जहाँ शहीद नगर चौकी के पास एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में निर्माण कार्य के चलते गेट लगाने का काम किया जा रहा था, तभी अचानक गेट गिरने से उसकी चपेट में 12 वर्षीय बच्चा आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वह इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। साथ ही परिजनों का आरोप है कि कर्मियों की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। मजदूर काम कर रहे थे, अब वो अंदर उन्होंने गेट खोला, यहाँ बच्चा जा रहा था निकल के और उसके ऊपर गेट एकदम गिराई है। फिर वो हम 2-4 जने आए उठानी गेट, तो उन्होंने फिर थोड़ी पब्लिक और आई, जब जाके ये गेट उठाया देखा तो लोंडा यही खत्म हो गया था, दब गया था, मतलब उसका भेजा भी खून वून सब निकल गया। तो बच्चा अभी कहाँ लेके गए? ये गए मोहनगर अस्पताल। तो बच्चे की क्या स्थिति है? बिल्कुल डेड है, बच्चे की कोई स्थिति है ही नहीं, खत्म, वो यही खत्म हो गया था बच्चा। साईबाबा क्षेत्र में सीमा चौकी के अंतर्गत एक 10 वर्षीय बच्चे प्रिंस की लोहे के गेट गिर जाने से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको नरेंद्र मोहन अस्पताल ले जाया गया था। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों के द्वारा तहरीर दी जा रही है और आगे की प्रधानी कार्रवाई तहरीर के अनुसार संपादित की जाएगी। मजदूर काम कर रहे। खबर गाजियाबाद के साहिबाबाद से है, जहां गणतंत्र दिवस से पहले प्रतिबंधित बाज और चील की तस्करी करते गिरोह के सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 5 बाज और 1 चील भी बरामद की गई है। वहीं पीपल फॉर एनिमल सदस्य गौरव गुप्ता ने साहिबाबाद थाने में तस्करी का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं बताया जा रहा है कि दिल्ली में जामा मस्जिद के पास प्रतिबंधित बाज और चील की बिक्री की जाती है।
PFA ऑर्गेनाइजेशन जो है जो एनिमल के लिए काम करती है उस संस्था के द्वारा लोकल पुलिस को ये सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति बाज के साथ आएगा यहाँ पे, उसको ट्रैप करके उसके द्वारा बुलाया गया था। इस सूचना पे महानगर के पास पुलिस पहुँची थी और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 5 बाज और 1 चील बरामद किया गया है। PFA संस्था के व्यक्ति के द्वारा ही इस संबंध में तहरीर दी गई है, जिसके लिए मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि ये बाज जो है यहाँ पर नहीं पाए जाते, दूसरे देश यानी पाकिस्तान की तरफ पाए जाते हैं, तो ऐसे में 26 जनवरी पास है, क्या कहेंगे, क्या कुछ पाकिस्तानी कनेक्शन है? प्रथम दृष्टया जो जाँच और पूछताछ में आया है, ऐसी किसी चीज़ की पुष्टि नहीं हो रही है कि पाकिस्तान से इसका कोई ताल्लुकात है, लेकिन इसकी विस्तृत जांच और किया जाएगा अन्य एजेंसियों के द्वारा भी इस संबंध में पूछताछ। सोशल मीडिया पर एक खबर शाहिबाबाद से है, जो एलिवेटेड रोड को गाजियाबाद का पार्टी हॉल बताकर रोल करने वाले दो युवकों के बाद अब एक युवती की रील बनाते वीडियो वायरल हो गई। बता दें कि वीडियो में युवती फिल्म के गानों पर डांस करती दिखाई दे रही है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस ने नंबर के आधार पर गाड़ी का 17,000 रुपए का चालान काट दिया। साथ ही पुलिस ने युवती की तलाश शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी जांच की गई तो यह एलिवेटेड रोड थाना साहिबाबाद क्षेत्र का मामला है। इसमें कार और महिला की पहचान कर ली गई है। इस संबंध में पुलिस की तरफ से तहरीर करके मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही क्योंकि कार का नंबर ट्रेस हुआ था तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी इसमें 17,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सोशल मीडिया पर एक खबर जनपद इटावा से है, जहां रिजर्व पुलिस लाइन पर परिवार परामर्श केंद्र चल रहा था, जहां पर पहुंचकर एसएसपी ने लोगों की समस्याएं सुनी। आपको बता दें कि इस दौरान एसएसपी ने पारिवारिक विवादों को भी सुना, साथ ही 8 परिवारों के बीच समझौता करवाया है। वहीं एसएसपी ने कार्य समाप्त करने के बाद मीडिया से भी बातचीत की। महिला परामर्श केंद्र में आज दूसरे और चौथे में ये काउंसलिंग होती है, जो पारिवारिक विवाद होता है पति पत्नी का, उस संबंध में मैं अभी चूंकि जल्दी आया भी हूं और मैं अपने थानाध्यक्ष महिला और परिवार परामर्श केंद्र की जो प्रभारी है अंजलि, दोनों को निर्देश जारी किए हैं और हमारी जो टीम है इसके लिए जो लगी हुई है काउंसलिंग के लिए, 5 लोग हैं, आप देखे होंगे इसकी कमेटी बनती है। इसमें अब तक जो मुझे बताया गया है कि 200 वर्ष 2022 में परिवारों को मिलाया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार से वर्ष 2023 में अब तक 20 परिवारों को उन्होंने मिलाया है और तमाम जो कोर्ट कचहरी के चक्कर होते हैं उनसे निजात दिलाई है। तो परिवार बसता है तो कितनी खुशी मिलती हो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी हमारा जो पुलिस का ये उद्देश्य है शासन के निर्देशों के क्रम में परिवार बचाना का, और जो भी महिलाओं के सम्मान के लिए हम बेस्ट वसूल कर सकते हैं वी आर ट्राइंग लेवल बेस्ट, और हम इसको जारी रखेंगे। और इस तरह से हम कई काउंसलिंग करके महीनों में जो भी वर्ष में होगा हम परिवारों को बचाने का प्रयास करेंगे और परिवारों को मिलाने का भी प्रयास करेंगे, जिससे कि लोग अच्छे हों और समाज में एक अच्छा संदेश है। खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से है, जहां पंडित दीनदयाल क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ। वही कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बता दें कि मैच अमानगंज और देवेंद्र नगर के बीच में खेला गया, जिसमें अमानगंज ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। वहीं देवेंद्र नगर टीम ने बल्लेबाजी कर 144 रन बनाए, साथ ही अमानगंज टीम ने कुल 5 विकेट ही गंवाकर जीत हासिल की। ये कार्यक्रम एक बहुत अद्भुत तरह का कार्यक्रम है और मैं दोनों टीमें आ जाएं समिति को भी धन्यवाद देना पर आदरणीय अमिताभ बागरी जी के नेतृत्व में सानिध्य में यह कार्यक्रम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद की बात है, बधाई की बात है कि उन्होंने खिलाड़ियों को भी अवसर प्रदान किया और खेल प्रेमियों को एक बेहतर क्रिकेट और एक बेहतर खेल देखने का अवसर मिला। इस बात के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ आयोजन समिति को और एक बहुत बेहतर और व्यापक स्तर का क्रिकेट टूर्नामेंट हमें यहाँ देखने का मिला। जैसा बड़े शहरों में जिस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं वैसा हमारे गुनौर क्षेत्र के महोबा में आयोजन हुआ, इस बात के लिए मुझे इसको देखकर बहुत खुशी महसूस होती है कि आज खेलों को जिस प्रकार से प्रमोशन की बात हमारी सरकारें कर रही हैं, हमारा नेतृत्व कर रहा है, चाहे प्रदेश सरकार हो या हमारी केंद्र की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार के यहाँ आदरणीय सांसद जी का, जब से आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी इस क्षेत्र के सांसद बने हैं लगातार इस क्षेत्र का विकास और इस क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को किस प्रकार से अवसर मिलेगा उसका एक अनुपम उदाहरण मुझे दिखाई देता है। इसके पूर्व आपने महसूस किया होगा पन्ना में भी एक बड़ा आयोजन वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हुआ जो पूरे नेशनल स्तर का था,
वो भी, और उसके बाद ये खेल का आयोजन, तो मुझे लगता है कि ये खेल खिलाड़ियों के लिए और खेल प्रेमियों के लिए बहुत अद्भुत ज्यादा लोगों का। खबर नरकटियागंज से है, जहाँ बखरी गाँव में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। वही टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि नरकटियागंज के प्रसिद्ध शिशु रोग चिकित्सक डॉक्टर एम वली रहे। टूर्नामेंट के पहले दिन का मुकाबला तुमकड़िया और महनोल के बीच 14-14 ओवर का हुआ। साथ ही मैच के दौरान तुमकड़िया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए महनोल की टीम को जीत के लिए 167 का लक्ष्य दिया। वहां जवाबी पारी में महनोल की टीम 12 ओवर में ही 139 रन पर ऑल आउट हो गई। आपको बताते चले कि इस टूर्नामेंट में जिले के कुल 8 टीम भाग ले रही है, जिसका फाइनल मैच 29 जनवरी को खेला जाएगा। ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट जगता है तो जाहिर सी बात है कि प्रमोट होगा, और आज के डेट में प्रमोट हो गया है तो हम लोग भी चाहेंगे कि उसको सपोर्ट किया जाए। अरे बकरी जैसे इन क्षेत्रों में जहाँ पे संसाधनों की कमी है और आप यहाँ पे चीफ गेस्ट हैं, इन बच्चों के बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं इन बच्चों को हौसला अफजाई करते हुए मैं एक बात, एक संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी खेल हो उसमें इंटरेस्ट जगा के खेलें, दिल से खेलें, मन से खेलें, ताकि आज एक अननोन खिलाड़ी के नाम से जाने जा रहे हैं, एक ऐसा वक्त आए कि उनको चिन्हित किया जाए और एक नाम उनका सामने लिया जाए कि हाँ फलाना ये खिलाड़ी हैं। तो हम यही चाहेंगे कि दिल से खेलें, मन से खेलें, क्योंकि इस तरह खेलेंगे, दिल से खेलेंगे तभी उनका नाम प्रमोट हो पाएगा, उनको आवाम जान पाएगी। और आज अपना गाँव रोशन कर रहे हैं, अनुमंडल करेंगे, जिला करेंगे, बिहार करेंगे, हमारा हिंदुस्तान भी होगा उस तरह से। इसलिए इंटरेस्ट जगा के खेलें, दिल से खेलें, मन से खेलें, ताकि गाने में पान। खबर नरकटियागंज से है, जहां बरगजवा रघुनी बाबा मठ में ग्रामीणों का एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक की अध्यक्षता मुखिया प्रतिनिधि अभय संघ ने की। बता दें कि इस दौरान मंदिर का निर्माण, मंदिर की संपत्ति से आय व्यय, गरीब निर्धन परिवार की बेटियों की शादी और विकास आदि की चर्चा की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने पूर्व में बने मंदिर की कमेटी के आय व्यय आदि की जानकारी भी ली। साथ ही असंतोष जाहिर करते हुए नई कमेटी का गठन किया गया। वही नवगठित कमेटी ने ग्रामीणों के अध्यक्ष की जिम्मेदारी रोशन सिंह राजपूत को सौंपी। गाने में 5-6 साल हो गया, यहाँ पे 4,43,000 का हर एक साल आमदनी है, लेकिन यहाँ पे कोई विकास का काम नहीं हुआ है। बाबा से हिसाब पूछने के बाद यहाँ जब भी हिसाब हम लोग मांगते हैं वो देवरी के लिए रवाना हो जाते हैं। 5 दिन मठ पर रहते हैं और 25 दिन अपने घर पे रहते हैं। पूछने पर कहते हैं कि हम कुंभ में शिविर चलवाते हैं, यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, शिविर चल रहा है देवरिया में कुंभ में, और चंदा मांगने पे आने के बाद यहाँ कहते हैं कि चंदा हम नहीं देते। इसीलिए पुरानी कमेटी को भंग कर दिया गया। पुराना कमेटी बना था, इसमें जो अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह किए थे, उसके अध्यक्ष में बालू राम, जोगिंदर मिस्त्री और 8-10 आदमी मेंबर थे, लेकिन वो हिसाब देने से कतरा रहे हैं। उस कमेटी को भंग कर दिया गया, बंद दिया गया। आज से नई कमेटी के गठन कर रहे हैं हम लोग, और गाँव सभी ग्रामवासी चाहता है कि नया कमेटी बने और अच्छा से निर्माण हो, काम अच्छा से हो। अच्छा, मंदिर के विकास के लिए काम किए के लिए ये रखा गया है, सभा को संबोधित किया गया है कि मठ का विकास किया जाए। मठ के मंदिर में चाड़ी लगी हुई है, लेकिन इस पे बाबा यहाँ के ध्यान नहीं देते हैं, और यहाँ पे उन्होंने यह वादा किया था कि एम्बुलेंस लाएंगे, सरकारी अस्पताल लाएंगे और स्कूल बनवाएंगे और गरीब लड़कियों का शादी करवाएंगे, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया। इसीलिए सभी ग्रामवासी मिलकर इस सभा का आयोजन किया है और इस पे गठित किया गया है, इसमें कोई ऐसा विकास का काम नहीं हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे नई न्यू कमेटी का गठन किया गया है जो आगे चलकर उनके बताए हुए रणनीति पे नहीं चलेगी और अपने पूरे ग्रामवासियों के सहयोग से जो भी काम। ये लोग आमद आ रहा है लेकिन खर्चा का विवरण नहीं दे रहे, और दूसरा मंदिर में चाड़ी लगा है, मंदिर का विकास के लिए और मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है, इसीलिए बैठक किया गया है कि गांव में शांति बना रहे। बाबा है वो कभी रहते नहीं, खाली पैसा आते हैं लेकर चले जाते हैं, इसका कोई देख रेख सही नहीं आता। गाने में 5-6 रुकते, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Thank you.